संघ के कार्यालय में आगमन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी के माध्यम से जिला जींद के वासियों को यह सूचना देना चाहती हूँ कि कल 25 अगस्त को अग्रवाल धर्मशाला, जो अर्बन स्टेट में स्थित है, वहाँ हाथ बदलेगा हालात जींद न्याय रैली का आयोजन किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता मेरी माताओं व बहनों का अपार संख्या में शामिल होना रहेगा। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जिला जींद के साथ सन 1966 से लेकर आज तक जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पूरी एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। वह कल नारी शक्ति यह साबित करेगी कि सिर्फ विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी आज की महिला किसी से पीछे नहीं है और हम सब महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कल पूरे जोश के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। क्या रहेगी आवाज़ इसमें? सर, मुख्य अतिथि माननीय श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, रणदीप सुरजेवाला जी व मैडम शैलजा जी को हमने आमंत्रित किया है। अब देखते हैं कि इनमें से जिनको जैसा उनका टाइम शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग वो आने की पूरी कोशिश करें। क्या किन मुद्दों को लेकर ये आपने सुना है? सर, मुख्य मुद्दा है जिला जींद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, जिला जींद में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत, जिला जींद में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पर्यटन केंद्रों की शुरुआत व जिला जींद को NCR से बाहर करवाना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। हमने पिछले 6 सालों से, आपने देखा होगा 3 जनवरी को बड़ी भारी संख्या में, उसमें भी महिलाएं हमारी बहन बेटियां सबसे ज्यादा थी, मटकी पे बना बना के स्लोगन लिख के NCR से जींद जिला बाहर हो, मध्य हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री आए, जींद जिले का राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन क्षेत्र हो, कई पर्यटन की मटकी बनाई हुई हैं और वृंदा के नेतृत्व में बहुत भारी संख्या में माननीय उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन दिया था। वो ज्ञापन एक सरकार को जगाने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार को कहने के लिए ही इतना बड़ा आयोजन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई इस सरकार ने किसी प्रकार की सुध नहीं ली। एक बार थोड़ी सी घोषणा की थी कि SCZ बनाएंगे पिल्लूखेड़ा के आसपास, लेकिन अभी उसका कोई किसी तरह का काम वहाँ इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अब जो पत्रकार बंधु हैं इनका सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, कल जो हमारे यहाँ अग्रवाल जो धर्मशाला है उसके अंदर एक बहुत बड़ा समागम, जिसमें विशेषतः हजारों महिलाएं इसके अंदर शामिल होंगी, वो प्रोग्राम रखा गया है। और ये जो प्रोग्राम है, वृंदा शर्मा जो मेरी बेटी है इन्होंने रखा है, वे मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन की युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और इसके अंदर महिला अपनी ताकत दिखाएंगी। आज श्री राहुल गांधी जी ने जो एक पूरे भारत में घूम करके जो सरकार की जो अन्याय जो कर रही है, सरकार लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, जाति पाति को लड़ा रही है, तो उसके खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया है, उसी संदर्भ में हमारा जो पूरा संगठन मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन कांग्रेस पार्टी में विलय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इसमें सभी सदस्य सर्वसम्मति से शामिल हो चुके हैं और सभी ये चाहते हैं कि भाई यहाँ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और सरकार भी एक मजबूत आधार के साथ बने। कल जो 1 बजे के लगभग अग्रवाल धर्मशाला में एक बड़ा जनसमूह होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो हमारे बड़े बड़े नेता और भी आएंगे, जिनमें तो वीरेंद्र सिंह जी भी, बाकी हमने सभी को इनवाइट किया, माननीय श्री दीपेंद्र जी को भी, माननीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी को भी, माननीय बहन कुमारी शैलजा को भी, सभी को हमने निमंत्रण दिया इसके लिए। और हमारे यहाँ से आज माननीय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी को भी, इनमें से जिनको भी टाइम होगा, उन्हें आश्वासन दिया, जिनको भी जो भी टाइम होगा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश भी करेंगे। और कल का जो समागम एक जींद के विकास के लिए, जो हम एक कड़ी जोड़ रहे थे, भाई जींद का विकास हो, इंडस्ट्री हो यहाँ, और इसके लिए हमने दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रदेश के एक प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भी ज्ञापन दिया था इस बारे में। तो इसी कड़ी में भाग्य चलते हुए दूसरा जो
माननीय श्री राहुल गांधी जी का एक सपना है भाई, यूथ को और महिलाओं को हमने बहुत तवज्जो देनी है, आने वाले इलेक्शन में इनको बड़ा बढ़ा चढ़ा करके इनको उतारना है। तो हमारे संगठन की जो प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं, हमारे जो बेटी वृंदा शर्मा, वो इस कार्य में सक्षम भी हैं। संगठन भी चाहता है कि भाई ये आगे आए, लीड करें, और विधानसभा की दावेदारी भी की जा चुकी है इनके द्वारा। तो उसी संदर्भ में एक कल शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, और आवाज़ जो हमारी बहन बेटियों की जो आवाज़ वो कल उभर के आएगी। और बहन बेटियां आप देखेंगे कि हमारे पूरे जींद हलके के भी, जुलान हलके के भी कितनी बहन बेटियां हमारे जींद के विकास के लिए कल यहाँ समागम में, इस रैली में, जींद न्याय रैली जिसका नाम रखा हुआ है, इसके अंदर शामिल होंगे, बहुत भारी संख्या में शामिल होंगे। पंडित जी, चीन से दावा किया है कि चुनाव विधानसभा। अभी वृंदा, वैसे का नाम सोनू शर्मा वृंदा है, इसने जींद से भी दावा किया है और साथ के साथ आवेदन जुलाना कॉन्स्टिट्यूंसी भी से भी किया है। तो जींद हमारा मेन जो संगठन का, वैसे जींद भी पूरा संगठन हमारा सक्रिय है, जुलाने से भी हमारा पूरा संगठन सक्रिय है, महिलाएं जुलाने से भी बहुत जुड़ी हुई, जींद से भी बहुत जुड़ी हुई है, बाकी तो हमारी सफेदों वगैरह इनसे भी जुड़ी हुई है, लेकिन मेन हमारा जो संगठन का फोकस है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा जो कार्यकर्ता महिलाएँ हमारी मध्य उत्तरी हरियाणा की, वो जींद और जुलाना से।